हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे लाइकेन के रिप्रोडक्शन के बारे में। लाइकेन से संबंधित दो और वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूं, जिनमें लाइकेन के थैलस का स्ट्रक्चर और उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि लाइकेन का रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में मिलता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, सोरिडियम के थ्रू हो सकता है, सिफोलोडियम या फिर इसीडियम के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोमाइसिटीज फंजाई है, उसमें जिस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ लाइकेन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे सोरिडियम क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। तो सोरिडियम क्या है, एक छोटी सी बर्ड लाइक आउटग्रोथ है, यानी कि एक बाहर की तरफ निकली हुई एक संरचना है, छोटी सी संरचना है जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर की दिखाई देती है। ये थैलस के बाहर निकली रहती है और इनमें जो होता है अंदर की तरफ एक एल्गल सेल होगी, जैसे यहाँ पे आपको ये एल्गल सेल देखने को दिख रही है, अंदर की तरफ एक एल्गल सेल होगी और बाहर की तरफ जो होंगे वो फंजाई के हाइफी होंगे। तो ये जो है ये फंजाई के हाइफी हैं, इन ये बाहर से घेरे रहते हैं एक एल्गल सेल को। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सोरिडियम कहते हैं। बरसात की वजह से या फिर हवा की वजह से ये वहाँ से मेन थैलस से अलग हो जाते हैं और जहां पर भी ये गिरते हैं वहां पर ये नए लाइकेन थैलस का निर्माण करते हैं। परमेलिया और फाइसिया ये दो जेनरा हैं जिसमें कि जो सोरिडिया दिखाई देते हैं पस्टूल की तरह दिखाई देते हैं। जो पस्टूल्स क्या होता है, जैसे आपने कोई गांठ देखी होगी ना, तो गांठ बन जाती है बॉडी के ऊपर और एक उभार सा ऐसा दिखाई देता है, तो जो उभार होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पस्टूल्स कहते हैं। जो पस्टूल्स की तरह संरचनाएं दिखाई देती हैं उनको यहाँ पर सोरिलिया कहते हैं। तो परमेलिया और फाइसिया, इन दोनों में सोरिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ सोरिडियम को समझ लिया, तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सोरिडियम के स्ट्रक्चर्स हैं। अगला है इसीडियम। इसीडियम एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल होता है, स्टॉक्ड होता है, यानी कि इसमें ऐसे डंडी लगी हुई रहती है, जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होगा और कोरल की तरह दिखाई देता है। ये ऊपर के सरफेस पे ग्रो करते हैं और जो आउटर कॉर्टिकल लेयर होती है, यानी कि मैंने आपको बताया था थैलस के स्ट्रक्चर में एक ऊपर आउटर कॉर्टिकल होती है और ये अंदर वाली एक इनर कॉर्टिकल लेयर होती है। तो आउटर कॉर्टिकल जो लेयर होती है उसके अंदर एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट इसके अंदर मिलते हैं और वो इस टाइप से एक आउटर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक यहाँ पे इसीडियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर एल्गी के कंपोनेंट भी होंगे और फंजाई के कंपोनेंट भी होंगे। ये यहाँ से डिटैच कर जाते हैं, यहाँ से हट जाएगा और किसी दूसरी जगह पे जाके जर्मिनेट करेगा जब इसको फेवरेबल कंडीशन वहां पर मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि एल्गी के जो कंपोनेंट होते हैं वो अंदर की तरफ मिलते हैं, लेकिन इसीडिया अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बाहर आउटर अपर कॉर्टेक्स की तरफ मिलेगा और अपर कॉर्टेक्स की तरफ इसीडिया अगर है तो क्योंकि इसीडिया के अंदर एल्गी की सेल्स भी हैं, तो इसीलिए ऊपर का जो फोटोसिंथेटिक सरफेस होता है, यानी कि थैलस के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें अगर इसीडिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर ये इसके अंदर जो एल्गी सेल्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इससे एक फोटोसिंथेसिस का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, थैलस का फोटोसिंथेसिस का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के इसीडिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉड शेप का इसीडिया परमेलिया में मिलता है, कोरल लाइक इसीडिया पेल्टीजेरा में मिलता है, स्केल लाइक मिलेगा कॉलिमा में और सिगार की तरह मिलेगा असनिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लाइकेन जैसे कि फाइसिया और ब्यूलिया, इसमें क्या होता है, फ्लास्क शेप का पिकनीडिया फॉर्मेशन होता है। पिकनीडिया एक टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और पिकनीडियो स्पोर बनते हैं। ये वहाँ से निकल के जर्मिनेट करते हैं
और जर्मिनेट करने के बाद में एक फंगल हाइफी जिससे ग्रो होता है। इसमें एल्गी का कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसको कोई सुटेबल एल्गा मिल जाता है, ऐसा एल्गा जिसके साथ में ये अपने आप को सिम्बायोस्टिक रिलेशनशिप में रख सकता है, और वहां से एक लाइकेन का थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लाइकेन में। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ फंजाई का जो कंपोनेंट है वही पार्टिसिपेट करता है। तो फंजाई का कंपोनेंट जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो जिस तरीके का फंजाई होगा उसी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें लाइकेन में देखने को मिलता है। तो मैं जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस में बताया भी था कि लगभग 75% तक स्पीसीज जो हैं उनमें एस्कोमाइसिटीज के ही फंजाई देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर लाइकेन्स में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर लाइकेन्स में एस्कोमाइसिटीज में जिस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें लाइकेन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं और वही फंजाई यहाँ पर लाइकेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फीमेल ऑर्गन होता है वो कार्पोगोनिया होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कार्पोगोनिया का स्ट्रक्चर है, और मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो उसको हम स्पर्मोगोनिया कहते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये स्पर्मेटिया है और ये कार्पोगोनिया है। इसमें नीचे एक एस्कोगोनियम होता है और उससे एक लंबा स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। यहाँ से स्पर्मेटिया निकल के आते हैं और यहाँ पे ट्राइकोगाइन के साथ में आके यहाँ पे फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, यहाँ से फर्टिलाइज कर जाता है और एक एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, एक एस्कोगोनियम बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो एस्कोगोनियम की सेल्स होती हैं उसके जो सेल्स होंगी वो डेवलप करेंगी एक एस्कस को। वहां से एक एस्कस का निर्माण होता है। एस्कस का निर्माण होने के बाद में जो एस्कस के अंदर के दो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसमें पहले मियोसिस मिलेगी और मियोसिस के बाद में फिर माइटोसिस मिलेगी। ये एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और इससे रिडक्शन डिवीजन के बाद में, मियोसिस के बाद में चार सेल बन जाती हैं। और यही चार सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। तो जब इसके बाद में फिर इसमें मियोसिस के बाद में इसमें माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के बाद में चार से हर सेल से दो दो सेल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 सेल बन जाती हैं। 8 डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यही जो डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो कन्वर्ट कर जाएंगे एस्को स्पोर्स में। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एस्को स्पोर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इस वाले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे 8 एस्को स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, इससे एक एसआई का फॉर्मेशन होता है। एसआई जो होता है वो पैराफाइसिस के थ्रू घिरा रहता है। ये चारों तरफ के जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर हैं इनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस फ्रूटिंग बॉडी को घेरे रखते हैं, और जो क्या होता है इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो एपोथीशियम होता है। एपोथीशियम परमिलिया में जैसे देखने को मिलता है, और पेरिथीशियम जो होता है वो डर्मेटोकार्पोन में देखने को मिलता है। यही एस्को स्पोर्स यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाके गिरेंगे, और दूसरी जगह जहाँ पे जाके गिरेंगे वहाँ पे वो फंगल हाइफी का निर्माण करते हैं। वो फंगल हाइफी क्या करेगा, देखेगा कि जब उसको सुटेबल एल्गा मिलेगा तो वो एल्गी के साथ में वो जुड़ जाएगा और वो एक लाइकेन के थैलस का निर्माण करेगा। इस प्रकार से लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वीडियो से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।